मुनेश गुर्जर, जिनके हाल ही में आपको पता होंगे कि कैसे जो नगर निगम में है विवाद हुआ था, और इस विवाद में बहुत कुछ उन्होंने बोला भी था, ये कहा भी था कि कैसे जो अधिकारी हैं उनको सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाए थे और बहुत आरोप उन पर लगाए थे, हालांकि उसके बाद अधिकारी को बदला भी गया था। और अब मुनेश गुर्जर, जिन पर 2 लाख की घूस लेने का आरोप लगा है, और अब इसको ये क्लियर कर दिया गया है कि गिरफ्तारी भी होगी, ये पूरा मसला क्या है, कैसे शुरुआत हुई, वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे जैसे जैसे खुलासा होगा, क्योंकि जो टीम है एसीबी की वो पहुंच चुकी है उनके घर पर और अब वहां पर कार्रवाई चल रही है। जो 2 लाख की घूस के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहां पर ये ली गई थी, और इसके अलावा क्या इसमें कौन कौन और लिप्त है, किस तरह से ये ली गई थी, वो मीडियम कौन था, मीडिएटर कौन था, वो तमाम सवाल जो है वो अभी उठ रहे हैं, और उन सवालों को आपके सामने उनके जवाब भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां एसीबी एएसपी ललित शर्मा ने कार्रवाई की है, महापौर मुनेश गुर्जर के घर एसीबी का छापा और पति को गिरफ्तार किया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, ये अपडेट जहां मुनेश गुर्जर के पति को गिरफ्तार किया गया है। मुनेश गुर्जर जो पैरवी ये करती रही कि जो काम नहीं हो रहे हैं निगम में, हेरिटेज को लेकर वो कहती रही, फाइल्स को पास नहीं किया जा रहा है, घपला किया जा रहा है, हम काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसे वो तमाम सवाल आपके जहन में होंगे, उन सवालों के जवाब भी हम देंगे और उन सवालों के जवाब कुछ ही देर में क्लियर भी हो जाएंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। मुनेश गुर्जर हेरिटेज मेयर हैं और मेयर होते हुए रहते हुए उनके घर पर छापा पड़ा है, एसीबी ने ये छापा मारा है। एसीबी जो अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती है, जीरो टॉलरेंस नीति जो एसीबी अपनाती है, और आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रैप किया गया, इसमें कलेक्टर भी शामिल थे और उन कलेक्टर को भी ट्रैप किया गया जो इस तरह की घूस ले रहे थे। और अब ये आंच हेरिटेज मेयर तक भी पहुंच गई है, महापौर मुनेश गुर्जर के पति को हिरासत में लिया गया है, 2 लाख की घूस मांगने का ये आरोप है। अपडेट आपको कर देते हैं, महापौर मुनेश गुर्जर के घर पर छापा और इसमें पति पर 2 लाख की घूस मांगने का आरोप लगा है। ललित शर्मा ने ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद तमाम चीजों को क्लियर भी किया जाएगा, कैसे ये घूस ली गई थी, परिवादी कौन है, कैसे ये सामने आई बात, क्या ये 2 लाख की घूस की राशि थी या और राशि थी क्या, क्योंकि हाल ही में जब आपने ये देखा कि कैसे जो आबकारी की इंस्पेक्टर थी, वो इंस्पेक्टर पहले ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां ये अपडेट आपको दे दे, सफाई कर्मियों की भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है, 2 दलालों को दबोचा गया है। महापौर मुनेश गुर्जर के घर पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है, इसमें हिरासत में लिया गया है, और इस पूरे मामले में अब धीरे धीरे तमाम खुलासे होंगे। 2 दलाल दबोचे गए हैं, जिस मीडिएटर की हम बात कर रहे थे कि माध्यम क्या रहा है, मीडिएटर कौन है, वो तमाम सवाल अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने ये खबर सबसे पहले दिखाई थी, और इस खबर में जो
सूत्र बता रहे थे, वो सूत्र कह रहे थे कि मुनेश गुर्जर के घर पर एसीबी ने छापा मारा है, लेकिन तस्वीरें उस वक्त साफ नहीं थी। लेकिन अब ये तस्वीर आपको साफ साफ हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अभी तक जो खबर आ रही थी वो सच बेधड़क की स्क्रीन पर थी, लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ है और अब से कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो मुनेश गुर्जर के घर पर एसीबी की टीम पहुंची हुई है। इस खबर को आप अपडेट कर लीजिए, इस खबर को आप अपडेट करके सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये खबर हेरिटेज मेयर के घर से जुड़ी हुई है। महापौर मुनेश गुर्जर के घर पर एसीबी ने छापा मारा है और पति सुशील गुर्जर को हिरासत में लिया गया है। 2 लाख की घूस पति ने मांगी थी और इसमें 2 दलाल यानी मीडिएटर को भी दबोचा गया है। ये मीडिएटर कौन है और अगर ये मीडिएटर हैं तो ये कोई नए नहीं होंगे। पट्टे जारी करने की एवज में हिरासत में लिया गया है, ये मामला बताया जा रहा है। धीरे धीरे देखिए इसकी कलाई खुलती जा रही है। पहले कुछ मामला सामने आ रहा था सफाई कर्मी को लेकर, अब बताया जा रहा है पट्टे को लेकर। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम सटीक खबरें आप तक पहुंचाना चाहते हैं और इस वक्त जो खबर धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है एक बहुत बड़ा मसला है, हाई प्रोफाइल मसला है और इसलिए इसमें धीरे धीरे तस्वीरें साफ भी होंगी और इसलिए आपको सच बेधड़क पर लगातार बने भी रहना पड़ेगा उस खबर को तस्वीर को साफ होने देने तक। और अभी जो तस्वीर और अभी जो सूचना आपके सामने है वो ये सूचना कि पट्टों को लेकर ये मामला था जिसमें रिश्वत मांगी गई थी और उसके बाद पति को हिरासत में लिया गया है, पति सुशील गुर्जर जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और ब्यूरो चीफ पंकज सोनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, इस पूरे मामले को बताएं। देखिए मेगा, ये जो नगर निगम हेरिटेजेस में लगातार एसीबी को जो भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी और जो हमारे एसीबी के सूत्र बता रहे हैं, एसीबी लगातार इन मामलों पर नजर रखी हुई थी, मुख्य रूप से सफाई कर्मी भर्तियों का मामला, पट्टे जारी करने का मामला। पंकज जी, ये अपडेट भी कर दे कि ये तस्वीरें जो है उस जगह की हम दिखा रहे हैं आपको, हम लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। तो ऐसे में एसीबी ने काफी दिन तक इस मामलों पर नजर रखी और जो उनको एसीबी को शिकायत मिली थी उसकी उन्होंने पुष्टि करी और अभी जो एसीबी जो बता रही है 2 लोगों को उनके घर से हिरासत में लिया है और ये इनका जो 2 लोग हिरासत में ले गए ये इनको नगर निगम के कामकाज करने में दलाल एसीबी ने बताया, ये दलाल थे और इनका सीधा संपर्क जो मुनेश गुर्जर है उनके पति से बताया जा रहा है, इसलिए मुनेश गुर्जर के पति उनसे भी एसीबी पूछताछ कर रही है और ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि मुनेश उनके जो पति हैं उनको भी एसीबी ने हिरासत में ले लिया है और इसके अलावा 2 दलालों को और इन्होंने हिरासत में लिया है। कुल मिला के बात ये देखी जाए तो जो नगर निगम में भ्रष्टाचार की लगातार जो शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है इसमें जो कांग्रेस की जो हेरिटेज की जो राजनीति है उसका भी कहीं ना कहीं दखल नजर आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर बाद उसका भी खुलासा होगा, क्योंकि जो हेरिटेज में है कांग्रेस के ही 2 गुट बने हुए थे, एक गुट लगातार महापौर की खिलाफत कर रहा था। पंकज जी, सुशील गुर्जर क्या एक्टिव थे इन तमाम चीजों में? जो प्रारंभिक हमको जो जानकारी मिल रही है उसमें सुशील गुर्जर का नाम जो है वो एक तरीके से मान लीजिए महापौर की जगह सुशील गुर्जर ही वहाँ पे कामकाज संभाले हुए थे, चाहे सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला हो या उनके जो पट्टे जारी करने से संबंधित मामला हो या और किसी तरीके की स्वीकृति है, सुशील गुर्जर ही एक तरीके से वहाँ जो महापौर की जगह पर डायरेक्शन देते थे अधिकारियों को और अधिकारियों से जो कामकाज कराने थे वो भी वही करवा रहे थे। तो ये एसीबी को लगातार इस तरह के इनपुट प्राप्त हो रहे थे और इसको लेके आज एक बड़ा कदम उठाया और खास बात जो ये परेशान करने वाली हो सकती है मुनीश गुर्जर खुद के लिए भी, उनके घर से ही वो जो 2 दलाल हैं उनके खिलाफ शिकायत एसी को मिली थी और उन्होंने उस शिकायत की पुष्टि करके उनको वहां से गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। जी।
एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी इसकी क्या पुष्टि हो पाई है कि जो सुशील गुर्जर है वही इसमें शामिल थे या कोई और नाम भी सामने आ सकता है, क्योंकि दो दलालों को तो दबोचा गया है, उन्होंने कुछ बताया अभी तक? नहीं था ये सब बात, लेकिन जो परेशान करने वाली बात है उमेश गुर्जर के लिए, महापौर के लिए, उनके घर से वो दलाल जिनको एसीबी ने ट्रैक किया है पकड़ा है, ये परेशान करने वाली बात है। आपको एक बार रोकना चाहेंगे, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ उमेश गुर्जर के घर से लाइव जुड़ गए हैं। लाल सिंह, अपडेट दीजिए, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या कुछ चल रहा है? देखिए मेगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो मुनीश गुजर है मेयर, उनके घर पर एसीबी की टीम पहुंची है। हालांकि ये पट्टे से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, 2 लाख की रिश्वत का मामला सामने आ रहा है, 2 दलालों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा रहा है। मुनीश गुजर के साथ क्या हुआ, उनके पति को गिरफ्तार किया है नहीं किया है, मुनीश गुजर की इसमें गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इन सभी सवालों पर अभी पर्दा नहीं उठा है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो हम सीधे आपको विजुअल दिखा रहे हैं, एसीबी की टीम, जो मेयर है मुनीश गुर्जर, उनके घर पर मौजूद है। इस समय जब चुनावी साल है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, ऐसे में मेयर जो कि कांग्रेस से आती है, उनके घर पर एसीबी की टीम पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ी खबर है। आखिर इतना बड़ा मामला है कि खुद मेयर के घर, शायद ही संभवतः जयपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्तारूढ़ पार्टी की किसी मेयर के घर पर एसीबी की टीम ने दबिश दी हो। और ये मामला इस लिहाज से और अधिक संवेदनशील हो जाता है मेगा, क्योंकि अभी हाल ही में लगातार जिस तरह राजेंद्र गुढ़ा का प्रकरण चल रहा, लाल डायरी का प्रकरण चल रहा, उन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सबसे अधिक कांग्रेस सरकार को घेर रही है। ऐसे में एसीबी की टीम का मेयर के घर पर पहुंचना, 2 दलालों को गिरफ्तार करना और इसकी पूरी जो कालिख है वो मेयर और उसके पति पर आना, साफ बताती है कि भ्रष्टाचार की जो दलदल है वो कितनी गहरी है। और भ्रष्टाचार, ये जो कार्रवाई है वो कितनी देर पहले शुरू हुई है, कितने अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितनी एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, रकम पकड़ी गई है, कौन इसमें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिलहाल जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल एसीबी की टीम इसी निवास में मौजूद है। ये मेयर मुनीश गुर्जर का निवास स्थान है, मेयर जो कि हेरिटेज की मेयर है, कांग्रेस की मेयर है और हाल ही में मेयर कई मामलों को लेकर विवादों में रही है। अब ये क्या कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या वजह है, लेकिन इतना तय है कि इस कार्रवाई ने एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मोहर लगा दी है, यानी कि एक और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि अगर ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, हाई प्रोफाइल मुद्दा है और इस हाई प्रोफाइल मुद्दे में क्या कुछ निकल कर आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें सूत्रों के हवाले से है, लाल सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उनसे ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये टीम कब पहुंची, क्योंकि अगर ये इतना हाई प्रोफाइल मामला है तो इसकी भनक किसी को लगने नहीं दी गई है। और इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब टीम वहां पर पहुंची उसके बाद ही लोगों को पता चलता है, मीडिया को पता चलता है और अब वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसलिए हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि जो पहली सच बेधड़क के पास सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई थी वो ये जानकारी थी कि एसीबी ने छापा मारा है और उस छापे के बाद लगातार वो कलई खुलती जा रही है कि क्या मसला है। हालांकि अभी भी इन तस्वीरों को और साफ होना बाकी है क्योंकि 2 दलाल पकड़े गए हैं और 2 दलालों को जिन्हें दबोचा गया है उनसे वो कौन किससे कनेक्टेड थे, अगर वो सुशील गुर्जर से कनेक्टेड थे तो क्या मुनीश गुर्जर से भी वो कनेक्टेड थे, ये सवाल भी उठता है। और क्योंकि सुशील गुर्जर मुनीश गुर्जर के पति हैं, क्या उनको, मुनीश गुर्जर को इस बारे में जानकारी थी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और लाल सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाल सिंह, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये कार्रवाई कितनी देर पहले शुरू हुई है और कितने अधिकारी, कितनी एसीबी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। देखिए बिल्कुल करीब 8 से 10 अधिकारी अंदर मौजूद हैं एसीबी के और बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ इस कार्रवाई को किए हुए, अभी भी कार्रवाई जारी है। अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
कि एसीबी की टीम ने यह दबिश दी है। बताया जा रहा है जमीन से जुड़ा कोई मामला है, पट्टों से जुड़ा हुआ कोई मामला है। दो दलालों को गिरफ्तार करने की सूचना मिल रही है, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि मेयर की या मेयर की पति की क्या भूमिका है, जब तक कि एसीबी का ऑफिशियल बयान नहीं आ जाता है तब तक हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मेयर के घर में एसीबी की टीम का होना इस बात के साफ सबूत दे रहा है कि भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं लिंक जरूर इस घर से जुड़ा हुआ है। जिन मामलों को लेकर आज एसीबी दबिश दे रही है उनका संबंध मेयर से जरूर है, मेयर से है, मेयर के पति से है या किन लोगों से, लेकिन इतना तय है कि अगर आज किसी सत्तारूढ़ पार्टी के मेयर के घर पर एसीबी की टीम दबिश दे रही है तो अपने आप में बता रहा है कि मामला कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है, खासकर सरकार के लिए। उस समय जबकि आप चुनावी साल में हैं, जब आपको चुनाव में उतरना है, और तब लगातार मेगा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाल ही में मेयर को लेकर पार्टी भी दो धड़ों में नज़र आ रही है, और काफ़ी लंबे समय से इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि मेयर जो है उसको लेकर पार्टी के दो मंत्री को लेकर कहीं पर साथ भी नजर आ रहा था, वो तस्वीर नजर आई थी लाल सिंह, और जो अधिकारी है उससे नाराजगी, निगम जो है उसमें नाराजगी नजर आ रही थी अधिकारी की, और मेयर की जो लड़ाई थी वो भी नजर आ रही थी। लेकिन अभी अगर इस फिलहाल वर्तमान स्थिति को जानना चाहे लाल सिंह, अभी क्या ये कार्रवाई बहुत लंबी चलने वाली है? क्या जो वो दो दलाल थे वो घर पर मौजूद हैं अभी भी? देखिए फिलहाल ये सारी जो सवाल है मेगा, इनका जवाब हम दे पाएंगे तब जब एसीबी का ऑफिशियल बयान हमारे सामने आएगा। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से दलालों को घर पर पकड़ा गया है, रकम के साथ पकड़ा गया है, जमीन के पुलिस कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे जरा जानने की कोशिश करें अगर ये कोई जवाब दे। हालांकि पहले कोई जवाब दे ही या जवाब कोई नहीं देता है इस तरह अधिकारी या जो कर्मचारी होते हैं, जब तक आगे से नहीं मिलती है, नहीं कहा जाता है आगे से, लेकिन एक बार फिर भी कोशिश कीजिए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको पहले तस्वीरों को दिखा देता हूं क्योंकि मामला मेयर से जुड़ा हुआ है, लिहाजा बाहर भी पुलिस के तमाम जवान तैनात किए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और लोग उत्सुकतावश बाहर भी आ रहे हैं क्योंकि कॉलोनी के तमाम लोग वो देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, मेयर के घर पर ये जमावड़ा क्यों है, क्योंकि तमाम मीडिया का भी जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो लिहाजा आप पुलिस यहाँ रखा गया, और ये साथ देखिए ये, लेकिन सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं ये जो मशीन है, ये नोट मिले ये सबसे बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, नोट गिनने की जो मशीन है लाई जा रही है, यानी कि बड़ा मामला है, यानी कि काफी बड़ी संख्या में रकम पकड़ी गई है, उसको गिनने के लिए नोट की मशीन लाई गई है। फिलहाल हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है कि ये नोट जिसे गिने जाते हैं, यानी कि रकम इतनी ज्यादा है कि उसको गिनने के लिए नोट की मशीन को मंगवाया गया है। मलिक साहब, यहाँ पुलिस भी आपने लगा दी है, सुरक्षा के लिहाज से लगाई है। देखिए पुलिस के अधिकारी अभी इस मामले में पूरा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से ये आसपास आप देख सकते हैं सुरक्षा के एहतियात को ध्यान में रखते हुए पुलिस जाप्ता है तैनात कर दिया है, क्योंकि आसपास एक जिज्ञासा है कि आखिर मेयर के घर में आज अचानक ये हलचल क्यों बढ़ी है। आम लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन अब एक बात साफ हो गई, जिस तरह नोट गिनने की मशीन अंदर जा रही है,